हाँ बच्चों, तो फिफ्थ के सारे पार्ट हो गए हमारे। यस सर। अच्छा, सिक्स में क्या करेंगे हम? टू डाइस आर थ्रोन, देन इवेंट ए बी सी आर एज फॉलो, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बी है कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। सी है गेटिंग ए सम ऑफ नंबर्स ऑन फर्स्ट डाई। बच्चों, ए वाला समझ आ गया आपको? ए में क्या क्या होगा? यस सर, यस सर, अगर फर्स्ट हम डाई पे टू इसको, फोर सिक्स होंगे और बाकी सारे नंबर्स। हाँ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको करना। जैसे इसमें इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई में, एक तो ये फर्स्ट रो आएगी, थर्ड रो आएगी और सिक्स फिफ्थ आएगी, फास्ट सिक्स आएगी। यस सर। सेकंड वाले में बाकी तीन रोज आ जाएंगी। हाँ, और बी गेटिंग एन ऑड नंबर में बाकी के तीन आ जाएंगे, ये बी में आ जाएंगे। सॉरी, ये तीन बी में आ जाएंगे। गेटिंग सम ऑफ नंबर इज लेस देन फाइव, लेस देन और इक्वल टू लेस देन फाइव, और तो इक्वल टू मतलब फाइव सम वाले भी लेने हैं उसमें। सर, फोर सब कॉमा वन से पहले सारे आ जाएंगे। फोर कोमा सबसे वन पहले लिखते रो से हो, फोर, सबसे पहले रो से कोमा वन फोर, भी दूसरे से आएगा, थ्री थ्री थी सर। फोर कोमा वन भी आएगा, ठीक है। यस सर, टू कोमा ऊपर थ्री वाले से दो आ और जाएंगे, थ्री उसके कोमा ऊपर सारे वाले से बच्चे दो, हाँ उसके ऊपर वाले से तीन, तीन, उसके ऊपर वाले चार। और इससे चार, यस सर। पहले वाले से चार, इससे तीन, इससे दो और इससे एक, ये आ जाएंगे, है ना। बाकी उसके यस सर। कॉम्प्लीमेंट वगैरह उसी हिसाब से बना देंगे फिर। जैसे ए डैश तो क्या बन जाएगा? बी के बराबर बन जाएगा, यस है सर। ना। नॉट बी क्या बनेगा? सर ए के बराबर हो जाएगा। नॉट बी भी ए के बराबर ही बनेगा। ए और बी क्या होगा? सब पूरा सैंपल स्पेस। यस, पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा ए और बी। ए एंड बी क्या होगा? सब वो भी पूरा सैंपल स्पेस। नहीं बेटा, थोड़ा सोच के बताओ। ए एंड बी, ए में बच्चों क्या थे? सारे इवन वाले डाई, फर्स्ट गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट। ए में ये था, यस ए में सर। ये तीन रो थी, ये ए में थी, है ना। ये तीन ए यस में थी सर। और बी में ये वाली तीन रो थी, है हाँ ना। तो वो सैम्पल स्पेस ही तो आ जाएगा। एंड एंड बेटा, ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ओ ओके ओके, ये फाइव हो जाएगा। सॉरी हाँ, ये फाइव हो जाएगा, ए एंड बी, यस सर। ठीक है। ए बट नॉट सी में कौन कौन से आएंगे? रक्षित, रक्षित बताएगा। ए ए बट नॉट सी, रक्षित। जैसे एक मिनट, ए बट नॉट सी। मतलब ए में से सी हटा दो, अच्छा ठीक है, तो ए ए में से माइनस सी कौन वाले बेसिकली। हैं? ए में ये तीन रो थी, यस सर। और सी में थी उसमें से इन ये सम। अच्छा तीन फ्री में एलिमेंट थे, वाले चले जाएंगे, तो उसमें तीन चले जाएंगे और उसमें से एक चला एक ये जाएगा। फोर कॉमा वन जाएगा चले जाएगा, ठीक हाँ, तो है। इसके ये चार सारे हट एलिमेंट हट जाएंगे। जाएंगे, बाकी फिर यस सारा सर। ए बचेगा, ठीक है। कर लोगे ये वाले? नहीं बच्चों, हो जाएंगे ये। यस सर। यस सर, यस सर। चलो बाकियों को भी इनमें से ट्राई करना, जो नहीं आए फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिक्स की वो दे रखी है कंडीशंस, उसमें ट्रू फॉल्स बताना। सेवंथ वाले में, रेफर यस सर। टू द क्वेश्चन सिक्स अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताओ ट्रू है या फॉल्स? तो पहला वाला ट्रू है क्योंकि पहले वाला ट्रू है, क्योंकि ए और बी में कुछ ऑड भी कॉमन नहीं इवन। था, एक में ऑड वाले थे, एक में इवन वाले थे, कुछ भी कॉमन यस नहीं सर। था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यस, ये ट्रू भी ट्रू सर, है। दोनों दोनों मिला ट्रू के है। उनका सैम्पल स्पेस बन रहा है। ये तीन रो एक में थी, बाकी की तीन रो दूसरे में यस थी, सर। यूनियन करेंगे तो टोटल सिक्स रो कंप्लीट बन रही थी, तो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल था। ए इज इक्वल टू बी थर्ड भी डैश, ट्रू है, ये भी ट्रू था, है ना। सो बी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट, यस सर। सॉरी। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सर फॉल्स, क्योंकि फॉल्स। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं, उसमें उनका कॉमन कॉमन है। कॉमन थे। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
सर फॉल्स, वो तो पूरा सेम ही हो जाएगा। हाँ वो तो पूरा सेम ए बी डैश तो पूरा सेम ए ही बन जाएगा। यस सर। ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नहीं सर, ये लास्ट फॉल्स है। किसने बताया? सर मैंने बताया सर, क्योंकि उसमें जो ए और सी है, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन हो गई, क्योंकि ए एंड सी में भी कॉमन है। ए का कॉम्प्लीमेंट तो बी के इक्वल आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल यस आएगा, सर, ए वो और बी दोनों में आपस कॉमन में एक था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। है ना? ए एंड ए डैश बी डैश एंड सी बट आर सी म्यूचुअल। के साथ दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वहाँ बी कॉमन है, इसलिए फॉल्स हो इंटरसेक्शन, जाएगा। बी इंटरसेक्शन नॉट फाई, ये फाई नहीं था। यस सर। ए डैश अगर देखेंगे तो बी आएगा, बी डैश को अगर देखेंगे तो ए आएगा, और एक सी है हमारे पास, तो ए बी सी। सो बी इंटरसेक्शन सी तो फाई नहीं था, ए इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए, है ना? ठीक है, अगर एक पेयर भी ऐसे आता है कि जिसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो फिर वो सारे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये, और एग्जॉस्टिव तो थे बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, कर लोगे बच्चों ये पार्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है? वन ऑफ एनी इवेंट नहीं बेटे, हमेशा वन नहीं होती। प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब जैसे एक एस कोई सैंपल स्पेस है, इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए इवेंट है गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी बताओ? वन बाय टू। सर 1/2। हाँ, तो ए के फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस 3/6, 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है। अच्छा बच्चे, एक बात यस ध्यान से सर। सुनो, जैसे ए इवेंट है, इसमें आउटकम है 1 2 3, सॉरी सैंपल स्पेस 1 2 3, यही ऊपर वाला ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 1/6, 1/6। 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी सबकी, ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6। अगर आप इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, जितने भी एलिमेंट्स इवेंट या वन आउटकम होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करते हो, तो वो 1 के इक्वल आएगा, करेक्ट? यस सर। किसी भी एलिमेंट्री आउटकम जैसे कि P1 P2 P3, किसी की भी प्रोबेबिलिटी को आप देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 इज लेस देन 1, 1 से 0 के बीच में मिलेगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ग्रेटर और भी नहीं। ग्रेटर नहीं होगी।
जीरो या जीरो से ग्रेटर होगी, वन या वन से स्मॉलर होगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। जीरो से ग्रेटर होगी, वन से छोटी होगी। सो जब भी सैम्पल स्पेस के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आप देखते हो, किसी भी एलिमेंट्री आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप चेक करेंगे, तो हमेशा इट लाइज बिटवीन, लाइज फ्रॉम जीरो टू वन, एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स इज इक्वल टू वन। जितने भी एलिमेंट्री आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, वन के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है ये? यस जैसे सर, 16.3 पे आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज 16.3, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी और द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में हमें सेवन आउटकम्स दिए हुए हैं। सैम्पल स्पेस में सेवन आउटकम्स हैं, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू से कहाँ तक, डब्ल्यू सेवन तक। ठीक है, तो इन डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू और डब्ल्यू सेवन तक सभी की प्रायोरिटी को ऐड किया जाए तो ये क्या आना चाहिए, बताओ जरा। वन वन के इक्वल आना चाहिए, और किसी की प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव या वन से नहीं नेगेटिव होगी। नहीं होनी चाहिए, वन से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए। चेक यस करो सर, इनमें से कौन कौन से वैलिड हैं। पांच पांच पार्ट गिवन है हमें, फाइव पार्ट्स गिवन है, इनमें से कौन कौन से वैलिड हैं। फर्स्ट वाला सर ए वैलिड वैलिड है, ए वैलिड है, बी वैलिड है, सर बाकी वैलिड नहीं है, सी हाँ सी वैलिड नहीं है, बी सी में अगर आप सम करोगे तो सम वन से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि डी भी लास्ट वैलिड आया नहीं होगा है, ही। और ई भी नहीं है, हाँ ई भी नहीं है। हाँ सी में तो लास्ट के दो का ही सम 1.3 आ जाएगा। ठीक यस सर, है, डी नहीं है क्योंकि डी में पहला ही नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ई वैलिड नहीं है क्योंकि देखो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है हमें, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इस टाइप्स के रीजंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को दो बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा। यस सर हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, एच एच एस टी टी एच टी टी। ठीक है, क्या पूछा है। बट इज अब एटलीस्ट वन टेल, ये इवेंट हो गया हमारा एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब एच टी टी एच या फिर टी टी। सर हाँ बेटा, इस पे उससे बोला था कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो अलग नहीं होगी सैंपल स्पेस। एक होता है जब टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, बेटा टू कॉइन टॉस टुगेदर या एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दोनों एक ही इक्विवेलेंट होते हैं। ओके सर, अगर आप एक कॉइन को दो बार टॉस करोगे तब भी वही सैंपल स्पेस होगा, और दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे उसका भी वही मीनिंग है और सैंपल स्पेस एग्जैक्टली सेम होगा। ओके सर सर प्रोबेबिलिटी थ्री ऑफ बाय सी फोर क्या आ जाएगा, आएगा, थ्री 3/4 आ बाय जाएगा। फोर करो थर्ड क्वेश्चन करो जरा। ए डाइस थ्रोन, सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। ए डाइस थ्रोन सर फाइंड द नंबर फर्स्ट का वन वन बाय बाय टू टू होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसको ऐसे, जैसे पता नहीं आप 10th में कैसे लिखते थे, पर इसको ऐसे लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, टू थ्री कौन कौन फाइव, से। टू टू थ्री थ्री इक्वल, फाइव, 3/6 हो गया हाफ। यस सर। नेक्स्ट पार्ट, सर सेकंड वाला 4/6, 2/3, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो चार आउटकम हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या हो जाएंगे।
4/6 हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से 6 तक, 4/6, यस 3 को भी इंक्लूड करना है, 2/3 हो जाएगा। ठीक यस है, करो बाकी के पार्ट्स करो। आप थर्ड क्वेश्चन वापस सर, बताना। थर्ड पार्ट हमारा 1/6 हो जाएगा, एक ही आउटकम है। थर्ड पार्ट क्या कुछ बोल रहा था कोई बच्चा बीच में? प्रोबेबिलिटी दैट नंबर लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखा है आपके बुक में, क्या लिखा है? 1। लेस दैन इक्वल टू 1। यस सर, तो 1 ही यस होगा, सर, तो 1/6। अगले का 0 और फिर उसके अगले का 1। और इक्वल टू 1। सर फिफ्थ का 5/6 नहीं होना चाहिए? एक मिनट दो बेटा, नम मोर देन सेवन, मोर अच्छा देन फाइव सिक्स। बाय सिक्स 0, इसकी ये तो 0 प्रोबेबिलिटी क्या होगा, होगी? ये 0 है। अगला 5/6 होगा। अगला क्या होगा फिफ्थ का? नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 5 आ जाएंगे सारे, तो 5/6। नंबर लेस देन 6, तो इसके लेस देन 6 5 नंबर होते हैं। यस सर, चलो फोर्थ क्वेश्चन, कौन बता रहा है? ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस? रक्षित, 52 पूरे होंगे। हाँ 52 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने डाई रोल की तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट है सैम्पल स्पेस में। एलिमेंट्री आउटकम्स होते हैं वही होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, यस सर, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? 52 पॉइंट्स, 52 कार्ड है तो 52 पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट ये कहता है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड 1/52 इज एन वन एस फिफ्टी ऑफ टू स्पेड, यस प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। 1/52 हाँ, सर, एस क्योंकि ये यूनिक कार्ड होता है। ऑफ, एक सिंगल कार्ड होता है ये, है यस ना? सर, एक एस ऑफ क्लब होगा, फिर एक एस ऑफ डायमंड होगा, फिर एक एस ऑफ हार्ट होगा, चार चार एस होते हैं। तो एस ऑफ स्पेड सिर्फ एक कार्ड होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। थर्ड पार्ट कैलकुलेट द तो फोर प्रोबेबिलिटी दैट बाय कार्ड इज फिफ्टी एन टू एस कार्ड, 4/52 तो 1/13 हो जाएगा। 4/52, क्योंकि चार एस होते हैं, 1/13। एंड ब्लैक यस, कार्ड के लिए 26/52 तो ब्लैक वन कार्ड बाय का टू 26 1/2 हो जाए। बाय 52, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा? फेयर क्वाइन मार्क विद 1 on 1 face एंड 6 on other face। क्वाइन पे क्या है? एक फेस पे 1 है, एक पे 6 है, एंड फेयर डाई आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस क्या होगा? क्वाइन टॉस किया है, क्वाइन के एक फेस पे 1 लिखा हुआ है और क्वाइन के दूसरे फेस पे 6 लिखा हुआ है। तो H1T6 साथ में एक डाई को रोल किया है, डाई, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? क्वाइन पे 1 आ सकता है और डाई पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। और दूसरे और साइड 6 है हमारे। हाँ, क्वाइन पे दूसरे साइड 6 है तो यस क्वाइन पे सर, 6 आ सकता है और डाई पे कुछ भी आ सकता है। यस सर, तो 12 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। बिल्कुल, 12 आउटकम हो जाएंगे, 12 आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये फेयर क्वाइन मार्क, हाँ, और फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर दैट टर्न्स अप इज, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स इज 3। सर इसका तो एक ही है, 1,2, तो 1/12 हो जाएगा। सिर्फ 1 2 से ही 3 आएगा, सम ऑफ नंबर 3 इसी केस में होगा, एक में। तो इसके आने की यस प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। सेकेंड पार्ट क्या है? सम इज तो 12, उसका भी 1/12 होगा, ये भी 1/2 क्योंकि 6 + 6। हाँ
हाँ ये भी सिर्फ एक ही वन केस बाय में होगा, ट्वेल्व इसकी यस प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। गुड, सिक्स क्वेश्चन कौन बता रहा है? श्रेयांश बताओगे सिक्स यस सर। क्वेश्चन? सर एक सेकंड पढ़ रहा हूँ। तो 1/10 सिक्स फोर मैन और क्या है बेटे? वुमेन सिक्स वुमेन, सिक्स है। सर, 6/10 होगा ना, 3 को 3/5 होता है वो सिक्स सर, वुमेन, क्योंकि टोटल लेंगे ना हम। वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी हाँ रैंडम, हाउ लाइकली दैट इट इज ए वुमेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 6/10 वुमेन। हो जाएगा। हाँ सिक्स वुमेन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होगी 6/10, वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/10, तो थ्री 3/5 बाय हो गए। सेवेंथ कौन बता रहा है? यस सेवेंथ बताओगे? फोर यस सर। फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एन ए पर्सन। सर इसमें 4 कॉइन्स के लिए हमें वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि अगर 4 हेड्स 4 टेल्स करके पूरा एक सैम्पल स्पेस करना पड़ेगा। हाँ, इसमें या तो 4 हेड आएंगे या फिर 3 हेड होंगे और एक टेल होगा, या फिर 2 हेड होंगे और दो टेल होंगे, या फिर होगा 1 हेड और 3 टेल होंगे, या फिर चारों टेल होंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो बताओ, 4 हेड तो यस सिर्फ सर। टाइम आते हैं, वन और ये कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स फोर टाइम्स बताया था ना, दोबारा बताने की जरूरत है? सर। देखो 3 हेड हैं और एक टेल है, टोटल 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड है 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आएगा। यस सर। उसके बाद 2 हेड और 2 टेल, दो टोटल 4 लेटर हैं, 4 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, बट 2 लेटर एक जैसे हैं, एच, 2 टी एक जैसे हैं, तो 1 2 फैक्टर तो आया एच के लिए, एक आया टी के लिए, 24, 6 सिक्स आएगा, ये 6 टाइम आएगा। उसके बाद 3 टेल और 1 हेड, ये भी 4 टाइम्स आएगा, और ये भी 1 टाइम होगा, ये 1 टाइम होगा। ठीक है, टोटल आपको चेक कर लेने कि 16 है कि नहीं है, तो 4 और 6 10 और 14 और 2 16। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही हेड आता है, पर्सन विन ए रुपी वन, हेड आने पे पर्सन 1 रुपये विन करता है, तो 4 हेड आएंगे तो क्या विन करेगा वो? अगर किसी के 4 हेड रुपीज तो 4 टाइम रुपीज 4 रुपीज फोन विन फोर करेंगे, रुपीज चारों हेड आने पे रुपीज 4 विन होंगे। अच्छा 3 हेड आने पे कितने रुपए विन हुए? 3। एक टेल आने पे कितना देना पड़ता है? 1.5। तो अल्टीमेटली ये 1.5 रुपीज विन करेंगे, कब? जब 4 हेड आएंगे, है ना, 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल में पहले 2 रुपये विन करेंगे, माइनस में 3 रुपी लूज करेंगे, माइनस वन का मतलब विल लूज रुपी 1, समझे? और अगर 1 हेड और 3 टेल आते हैं तो क्या होगा? 1 रुपया विन करा, माइनस में 4.5 लूज किए, तो -3.5, और 1 टेल आता है तो 4 टेल आते माइनस हैं तो सिक्स -6 रुपीज, -6 का मतलब है लूज रुपीज 6। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगी? सैंपल स्पेस एक्चुअली हमारा ये नहीं, सैंपल स्पेस ये होगा जो अमाउंट विन किया है, रुपीज रुपीज 4 विन, रुपीज 4। विन रुपीज 1.5, लूज रुपीज -1, लूज रुपीज 1, रुपीज 3.5,
है ना। -6 यही अमाउंट होगी, कोई रहा तो नहीं। दो अमाउंट वो विन नो सर, करेंगे, तीन अमाउंट वो लूज करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी रुपीज फोन 4 विन करने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि 7/16 रुपीज 4 विन कब होंगे, जब चारों हेड आएंगे वो एक ही बार आ सकते हैं, तो इसके लू इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। विन रुपीज 1.5। यस, आपको समझ सो आया ये? यस 4/16 तो फोर सर, हाँ बाय जी हाँ, सिक्सटीन हाँ ये चार तरह से हो सकता है, यस ठीक है। सर जब ट्रिपल एच और एक टेल आएगा तो 1.5 रुपीज विन होंगे, जो 4 वे से हो सकता है 4/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी टी नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, लूज रुपीज -1। ये कि जब डबल एच डबल टी सिक्स आएगा बाय तो 16 6/16 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टू लूज रुपीज कितना, 3.5। 1/3 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3? नहीं बेटा, 4 नो सर, 1/3 नहीं, 8 बाय 4 बाय या 4 टाइम आएगा ना, 4/16। बाय 8 ये 1/4 नहीं, किसको समझ नहीं आया ये वाला? सर, मैं 6/16 को सिंप्लीफाई करके बता रहा था। ये 3.5 वाला था, सिक्स बाई यस सर, सिक्स सही है, ये सही है, मैं उससे पहले वाला सिंप्लीफाई करके बता रहा हाँ था। हाँ ये अच्छा, ये तो ठीक था ना, 1/4 पहले सही है। वाला। अच्छा ये हो गया, 3/8 हो गया ये। नेक्स्ट नेक्स्ट अमाउंट क्या थी, लूज रुपीज 6, कितना हो गया बताओ? वन बाय वन बाई सिक्सटीन सिक्सटीन ही होगा, कर लोगे? यस सर, किसी भी इवेंट की 8th वाला गेट अपने आप करना, ट्राई नहीं आए तो बताना। इजी है, 3 कॉइन का है, 3 कॉइन वाला आपने गुड खेल बास्केटबॉल खेलती के तो नहीं आता। जो। लेकिन 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 2/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए? सर नॉट ए की 9/11 क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 9/2/11 क्या हो जाएगी, 9/11। 9/11 हो जाएगा। किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, इसको याद रखना है। 10th क्वेश्चन कौन बता रहा है? ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 13 है, फर्स्ट वाला वॉवल 7/13। वॉवल 6 नहीं है इसमें। वोवल एक 6 है। मैंने कॉन्सोनेंट गेट लिया, सॉरी, चार कॉन्सोनेंट पाँच छ, एक दो, सेवन यस बाय थर्टीन है। सिक्स बाय थर्टीन टोटल कितने बताए लेटर आपने, 13 13, टोटल 13 है। 13 में वोवल कितने हैं, मोबाइल 6 है, वोवल 6 है, कंसोनेंट कितने हो गए, 7 सेवन हो हो गए, जाएंगे। है ना। क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए वोवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 6/13 वोवल। हाँ टोटल वोवल 6 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल लेटर 13 है, प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट का बस एक, तो 7/13 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/13 हो जाएगी, ठीक है। 11th कौन बताएगा, पढ़ा
पढ़ो जरा 11th। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूज सिक्स डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 एंड इफ दीज सिक्स नंबर्स मैच विद द सिक्स नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमेटी ही विन द प्राइज ही विन्स द प्राइज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 1 से कहाँ तक, 20 तक के नंबर हैं। इसमें से इसमें से कितने नंबर निकालने हैं? सर 6 नंबर। 6 नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। और अगर ये 6 नंबर जो लॉटरी कमेटी ने 6 नंबर फिक्स किए हैं उनके साथ मैच करते हैं देन विन द प्राइज। ठीक है, इसका 20 6 6 6/20 होगा। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? हाँ बताओ रक्षित, बताओ क्या कह रहे हो सर। 20 नंबर्स में 6 सेलेक्ट कर रहे हो, 20 C6 होगा। यस, 20 में से अगर 6 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको 20 C6 वेज में होगा। और ये यस आप बोल रहे थे, यस सर, क्या बताओ क्या बता रहे हो? हर एक नंबर की अपनी अलग प्रोबेबिलिटी लेंगे हम, 1/20। देखो अगर हमें एक नंबर निकालना होता यहाँ से तब तो, जैसे मान लो 1 निकालना है तो 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी होती 1/1/20 है ना, बट हम तो 6 नंबर निकाल रहे हैं और वो ऐसे तो कोई उनको ऐड करेंगे। जिसका 20 C6 अकाउंट क्या होगा? आप एक बात बताओ। अच्छा मान लो 20 नंबर हैं और इसमें से टोटल 20 नंबर हैं, 6 नंबर लॉटरी कमेटी ने फिक्स किए हुए हैं, बाकी बच गए 14। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ आप प्रोबेबिलिटी विन करना चाहते, मतलब प्राइज विन करना चाहते हो तो आपके यही 6 नंबर निकलने चाहिए ना? यस सर। तो इस 6 में से आपको कितने नंबर चाहिए? इस 6 में से अगर आपको एक चाहिए होता तो आप क्या करते? 6C1 है ना, ये यस करते। सर। मान लो टोटल नंबर आपको निकालने थे 6 है ना, एक नंबर आपको इसमें से निकालना होगा तो आप कहें लिखेंगे 6C1, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें प्राइज विन करने के लिए जो लॉटरी वालों ने 6 नंबर फिक्स किए हुए हैं वही 6 नंबर निकलने चाहिए हमारे, मतलब इस 6 में से कितने नंबर निकलने चाहिए? ऑल सिक्स, 66 हो जाएगा। ऑल सिक्स प्राइज विन करने के लिए ये हमारे नंबर इन्हीं 6 में से निकलने चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर में निकले ये मैटर नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ सी लगाया, पी नहीं लगाया। मान लो लॉटरी ने, हम रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं कि 1 से 6 तक के नंबर फिक्स कर दिए और कि जिसके 1 से 6 तक के सारे नंबर निकल गए ही विल विन द प्राइज, राइट? तो ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से बस सिलेक्शन चाहिए। मतलब नहीं हमारा, पहले 3 निकलाया फिर 5 निकला फिर 1 निकला लाइक एंड सो ऑन, ऑर्डर से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इन 6 नंबर में से आप 6 नंबर कितने वे से निकाल सकते हो? 6C6 में। वैसे टोटल 20 में से आप 6 नंबर कितने वे से निकाल सकते हो? वो आप निकाल सकते हो 26C6। 20C6 तो ये तो होंगे आपके अब टोटल इसको नंबर सॉल्व ऑफ कर देंगे। आउटकम्स। हाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो सैंपल स्पेस होता है वो तो होगा आपका 26। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो होंगे आपके 66। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी होगी? 6C6 का आंसर तो 1 ही होता है, यस सर। 6C6 का आंसर 1 होता है ना, तो ये आ जाएगा 1/20C6। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी। ठीक है,
बच्चों आपने सेट्स में एक फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सर इसको यूनियन बी। कैलकुलेट तो करना होगा ना 26 को। नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखना पीछे किया ओके नहीं किया, सर 26 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी मार्क्स के हिसाब से भी पीछे देख, करा हुआ है। अगर मार्क्स में एक नंबर से ज्यादा का आए तो कर देना, एक नंबर से कम का आए तो मत कर, मतलब एक नंबर का आए तो मत करना, पीछे बुक में तो कर रखा है उन्होंने सॉल्व। कर देना आप भी कर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/20 C6, दैट इज बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, 1/20 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी क्या लिखेंगे इसको बताओ, 20 C6 क्या होगा? सर वैसे इतना बड़ा होता है तो हमारी टीचर बोलती है कि छोड़ सकते हो उतरे में। हाँ छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, छोड़ सकते हो आप इसको 14। बाकी मेनली 11th में तो स्कूल टीचर को ही देखना होता है, तो जो टीचर कहे उसी हिसाब से देख लेना, कहें कि सोल्व यस करना है सर ये कुछ तो ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, हम टाइम वेस्ट बड़ा हो करेंगे जाएगा इसको सॉल्व करके। 4 फैक्टोरियल, और ये हमारा होगा 6 × 6 × 5 × 4, आपको लेने गई मामा, उसके बाद तो आ चुकी है मुझे नहीं पता फिर, सामने देखने नहीं को। बेटा आप मुझे डिस्टर्ब कर रही। नीचे क्या होगा, 20 फैक्टोरियल, 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 14 सर टाइम15 लग जाएगा सॉल्व कर रहे हो, हाँ ठीक है ना, फिर से 6 3 ये तो हम जाएगी 20 बाद में भी कर ही लेंगे। और 2 से 8, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 19 17 8 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना ताकि आपको थोड़ा 19 × 7 और ये 120 आ जाएगा, तो थोड़ा जीरो से मल्टीप्लाई करने आपको थोड़ा इजी रहेगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, चलें आगे। यस सर, अच्छा 3 8 7 6 0 कितना आ रहा है, 3 8 7 6 0 3 8 7 6 0, इसको आप, यस सर अच्छा पीछे भी यही दे रखा है, 3 8 7 6 0 ये जीरो डिनोमिनेटर में। हाँ चलो चलो। अच्छा सेट्स में आपने फॉर्मूला किया था आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता था बताओ जरा। NA+NB − NA × SB। अगर इस पूरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस, ठीक है। ओके तो ये 12th वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ये आप कर लेना ट्राई एक बार, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो वहाँ पर हमें ए बी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अच्छा इसमें एक चीज़ होती है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद ऑर्डर वाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए होते हैं, मतलब किसी की भी बड़ी छोटी हो सकती है ए बी में से, और सबसे छोटी जो उल्टा लगा दिया ना साइन, हाँ ठीक लगाया था सॉरी, और उसके बाद सबसे छोटी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ए इंटरसेक्शन बी की होती है, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की होती है, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी और फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे छोटी होती है, राइट। तो जब भी आपको जैसे 12th क्वेश्चन में कहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, तो आपको ये चेक करना है, ए यूनियन बी इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, और ये दोनों इंटरसेक्शन से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर यस सर, सो फर्स्ट पार्ट में तो लेस देन आ रही है। अरे पीए क्या लेस देन बता, पीए इंटरसेक्शन भी है। अभी हमारी क्लास एंड होने वाली है तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।